हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम याद करेंगे अल्कोहल डिपेंडेंस के क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ रियल पेशेंट। मंगलू जल्दी आ। आइए मंगलू साहब। यस भाई। तो आप ये अल्कोहल कब से ले रहे हैं? सुबह से ही। नहीं, सुबह से नहीं, मतलब कब से? अच्छा, हाँ, 10 साल हो गया डॉक्टर साहब। 10 साल से ऊपर हो गया था डॉक्टर साहब। जो जब शुरू में पहली बार लिया था तो बियर लिए थे। थोड़ी ली थी, मजा आ गया होगा। बियर कोल्ड ड्रिंक में मिला के लिए थे पहली, तो पता नहीं था पीना। अच्छा, बियर पीना भी नहीं आता था? नहीं आता था। तो जब लिए थे तो थोड़े में नशा आता होगा। नशा आता था। अब तो नीट पी जाता हूँ सर। हाँ, तब जाके नशा होता है। और आधी बोतल पीनी पड़ जाती है सर। इसे कहते हैं टॉलरेंस। ओके। जब भाई ने शुरू किया था थोड़ी सी अमाउंट से पूरा मजा आ जाया करता था। अब वही मजा लेने के लिए भाई को नीट पीनी पड़ती है, आधी बोतल पीनी पड़ती है। ये मेरे मंगलू में है, आ गई है टॉलरेंस। ओके। तो पहला क्राइटेरिया टॉलरेंस। अच्छा मंगलू, ये बता, सुबह सो के उठता है, यदि ना मिले तो क्या होता है? कुछ हाथ वाथ कांपने लगते हैं? सर सुबह तो कुछ और कांपता है। हाँ। फिर मैं पी लेता हूँ। हाँ। फिर कांपना बंद कर जाता है। अच्छा, चला जाता हूँ, ठीक है ही पास में। हाँ। संतरा मिलता है वहाँ पे, वो ले लेता हूँ मैं। ओ, अरे खाने वाला नहीं सर, पीने वाला मिलता है। अच्छा, अच्छा, बढ़िया टेस्ट होता है, अभी ट्राई करना ना। चलो चलो, बिल्कुल, अभी तो हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो भाई सेकंड क्राइटेरिया है विड्रोल सिम्टम्स। यदि मंगलू नहीं पीता तो इसको विड्रोल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे हाथ कांपने लगते हैं, एंजाइटी होने लगती है ना अभी, लेकिन ये टाइम देता ही नहीं। यदि ये एक दिन नहीं पिएगा तो सीजर भी आ सकते हैं, लेकिन भाई वो मौका नहीं देता, पी लेता है पहले ही। तो सेकंड है विड्रोल सिम्टम। तो ये दोनों फिजिकल डिपेंडेंस होती है, यानी बॉडी पे, बॉडी डिपेंडेंट हो गई अल्कोहल पे। अच्छा ये बता, शाम को ऐसा लगता है कभी कि 6-7 बजते ही लगा लिया जाए, माहौल बन गया है? हाँ सर, पीने का तो ये है कि मेरे को चाय पत्ती भी चखना लग रही है। अरे नहीं, मन कर रहा है थोड़ा। अरे नहीं नहीं, बस मंगलू बस। मतलब अंदर से तीव्र इच्छा आती है, इच्छा आ जाती है। बोतल रखी है, बस दोस्त चखना लेके आता, चखना लेके आई है, बस कंट्रोल पाजी, कंट्रोल। तो इसे कहते हैं क्रेविंग। क्रेविंग होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। चौथा क्राइटेरिया है इनेबिलिटी टू कंट्रोल सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर। तूने कभी कुछ जरूरी काम होता है, एग्जाम है सपोज करो, एग्जाम की फेस तेरी चली गई सपोज, एग्जाम एग्जाम, अच्छा हाँ एग्जाम, मतलब कोई पेपर वेपर, पढ़ाई लिखाई अच्छा करते थे? नहीं डॉक्टर साहब, हम कहाँ पढ़ाई करेंगे, मजदूरी किया, संतरा लगाया और क्या। ओके ओके, अच्छा नहीं मतलब यदि कोई जरूरी काम है, अगले दिन जाना है, तुम सोचा चलो यार कुछ तैयारी कर ले। हाँ, ससुराल जाना है जैसे। हाँ, तो मैं आज नहीं लेंगे, आज मतलब ससुराल जाने से पहले नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, सोचे कि ले लेते फिर च्युइंगम चबा लेंगे, कंट्रोल नहीं हो, कंट्रोल इनएबिलिटी टू कंट्रोल सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर। ओके, ये चौथा क्राइटेरिया। अच्छा, चौथा क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया। अच्छा ठीक है, पांचवा क्राइटेरिया है नेगलेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव वे ऑफ प्लेजर। यानी अब जीवन का एक ही सुख है, अल्कोहल अल्कोहल एंड अल्कोहल। गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, कभी ऐसा किया साइलेंट करके रख दिया हो, नहीं अब तो अल्कोहल शुरू हो चुका है? हाँ मतलब माहौल बने तब तो जाएं। हाँ, जाएगा मतलब जाऊंगा, लेकिन माहौल बनाने के बाद जाता हूँ। और यदि उससे पहले तू फोन नहीं उठाएगा तो जाएगा कैसे? फोन उठा के बता देता हूँ, आने वाला हूँ, माहौल बना रहा हूँ। अच्छा, नहीं माहौल नहीं बनाता, नहीं आधे घंटे में आता हूँ, आधे घंटे में। मतलब कुछ भी कॉन्सिक्वेंस हो, अल्कोहल तो नहीं छोड़ेगा? अल्कोहल नहीं छोड़ूंगा सर, है ना? नहीं सर। तो अल्टरनेटिव वे ऑफ प्लेजर, गर्लफ्रेंड से ज्यादा बेटर क्या लग रहा है तुझे? अभी तो अल्कोहल ही लग रहा है सर। ये वाला मुश्किल है सर। अच्छा, ये गर्लफ्रेंड पे भी डिपेंड करता है ना सर। अच्छा, कौन से वाली है, कौन सी वाली है उस पे डिपेंड। ओके भैया, क्राइटेरिया खराब कर देगा
सर क्राइटेरिया क्या होता है सर? अच्छा चल कोई बात नहीं, बच्चों को याद तो कराना है ना। हाँ, करा दे सर। तो अब भाई को हम मान लेते हैं मंगलू भाई को सबसे ज्यादा प्लेजर अल्कोहल में आता है। यदि ये फोन भी कभी कभी साइलेंट कर देता है जब अल्कोहल लेता है ना, तो इसे कहते हैं मींस नेगलेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव वे ऑफ प्लेजर। भाई ने 3-4 गर्लफ्रेंड छोड़ दी, क्लियर हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस नहीं, उन्होंने हमको छोड़ दिया। अच्छा मतलब उसने बोला तुम पी इतना लेते हो कि कूदते तो बहुत हो हाँ, लेकिन कूदता नहीं है। ठीक है बगलू मैं समझ गया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं यहीं पे बच्चों का, कि अल्कोहल इंक्रीज द डिजायर ऑफ सेक्स बट डिक्रीज द परफॉर्मेंस। ओहो बड़ी दिक्कत है ना, और अल्कोहल से डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी भी आ जाता है। Oh. शक करने लगता है पार्टनर पे। हाँ है ना, शक तो है भी चालू। आ रहा है शक। तो छठा क्राइटेरिया तो देख लेते हैं, प्रोग्रेसिव नेग्लेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव वे ऑफ प्लेजर तो पांचवा था, और कंटिन्यू यूज डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस। चार गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, उसके बाद भी मंगलू ने अल्कोहल नहीं छोड़ा। तो ये छठा क्राइटेरिया हो गया। ये डिपेंडेंस क्राइटेरिया होते हैं अल्कोहल के, और भाई में बहुत सारे फुलफिल हो रहे हैं, तो मंगलू को हम अल्कोहल डिपेंडेंट बना देते हैं, मान लेते हैं। दवाई तो दो डॉक्टर साहब, इलाज तो करो। अच्छा तू क्या छोड़ना चाहता है अल्कोहल? हाँ सर, अब क्या है ना कि जो नई वाली मिली है हाँ, अब वो भी ना छोड़ दे, इसलिए छोड़ना चाहते हैं। अच्छा मगलू ऐसा है कि अब तुझे अल्कोहल छोड़ना है, तो जब तू छोड़ेगा तो सिम्टम्स तो आएंगे, दिक्कतें आएंगी। कैसे दिक्कत सर? हाथ कांपने लगेंगे। अच्छा, बेचैनी सी होने लगेंगे। ओहो हो, नींद नहीं आएगी। ओहो हो, तो हम पहले तुझे फिर एक लगा लेंगे। अरे नहीं लगा, छोड़ना है भाई। तो पहले हम तुझे करेंगे डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई का मतलब ये है कि जो तेरी जर्नी है ये थोड़ी स्मूथ हो। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तुझे प्रॉब्लम ना हो। जो विड्रॉल सिम्टम्स आने हैं, यानी जो जब छोड़ेगा जो बेचैनी आनी है, उसको हम कम कर देंगे, दवाई देंगे। अरे वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, है ना, अच्छे डॉक्टर साहब है ना, बहुत अच्छे डॉक्टर। अरे तेरा ध्यान रखूंगा बंगलू, तुझे बिल्कुल फिट कर दूंगा। बहुत बढ़िया, आप फले फूले डॉक्टर साहब, बस फलने रहना, फूलना, जैसा फूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बंगलू। तो उसमें हम तुझे दवाई का नाम ही बता दो तुझे। हाँ बताइए, पढ़ा लिखा लग रहा है तुम मुझे। बता, लिख दीजिए, हम ले लेंगे दुकान से। अरे तू ना पढ़ता था पहले, लिखता भी था, पर अल्कोहल की वजह से तूने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, मजदूरी करने लगा। मुझे तो पढ़ा लिखा डॉक्टर लगता है तू। शुक्रिया भाई, आपने देखा ऐसा, बाकी लोग तो मजदूर समझ रहे हैं। मैं जैसे पहचान जा तू, अल्कोहल ने तेरी क्या हालत कर दी। बस सर मत पूछिए। हाँ तो इसलिए छोड़ दे इसको। छोड़ दूंगा सर, आप जैसा बोलिए सर, आज से ही छोड़ देता हूँ। ग्लास बोलिए तो तोड़। नहीं तोड़ मत, तू यहाँ पे क्लिनिक पे दिक्कत आ जाएगी ना, सफाई वफाई करनी पड़ेगी, खर्चा बहुत होता है क्लिनिक मेंटेन करने का। बस ये खत्म कर दिए। अरे अरे छोड़ दिया, आज से बंद, आज से अभी से बंद, अभी से आपकी उसकी कसम। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, मत मेरी कसम मत खा मेरे भाई, कुछ और पेशेंट देख रहे हैं, बाहर इंतजार कर रहे हैं, है ना। तो इसमें तुझे ड्रग का नाम भी बता देता हूँ। बता दीजिए, ड्रग्स दे। अरे वो वाली ड्रग्स नहीं। अच्छा, पढ़ा लिखा लग रहा था, बता तो मैं सर। पहले हम तुझे बेंजोडाइजेपिन देंगे, इसमें क्लोरोडाइजेपोक्साइड, बड़ा सा नाम है ना, ये लॉन्ग एक्टिंग होती है। अच्छा, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है ठीक है। अब ये बता, सुई लगाने से डर तो नहीं लगता तुझे? सुई एक पैक लगा के लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तू लगा, अरे छोड़ रहा हूँ, छोड़ रहा है यार, छूट नहीं पा रहा है ना। नहीं झेल लेंगे डॉक्टर साहब, आप लगाइए। हाँ हाँ, तो देखो लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तुम्हारे। जो गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है वो तो चलो चली गई, अब लीवर ने भी हो सकता है धोखा दे रखा हो। अरे हाँ भाई हाँ, हम तो सुने थे किडनी खराब हो जाता है। अरे अरे किडनी तो साफ करती है कहते हैं बियर। अरे जो मिथ चल रहा है कि यार एक बियर लगा लो किडनी स्टोन साफ। अच्छा, वो चलो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा अल्कोहल है वो लीवर मेटाबोलाइज करता है, तो लीवर की वाट लग जाती है। मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा, तो अब तू मेरे पास आया है, यदि तुझे आज ही दवाई देनी है चाहिए तो मैं तुझे लोराजिपाम दूंगा। अच्छा, ऑक्साजिपाम दूंगा। यदि तेरा लीवर काम भी नहीं कर रहा होगा तो भी
कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, यदि तू कह रहा है कि सर लीवर फंक्शन टेस्ट करा के मैं फिर वापस आ जाऊंगा, ठीक है, या तेरा लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होता है तो मैं तुझे क्लोरडाइजेपॉक्साइड दे दूंगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, जो बोलिए आप। हाँ, उसको लेना, उसके साथ अल्कोहल मत पीना, ठीक है, और इसके साथ मैं तुझे थायमिन की गोली भी दूंगा, क्यों तेरे थायमिन की डिफिशिएंसी हो गई होगी, चंगुलू मंगलू है ना, मंगलू है ना, तो नाम तो याद है ना। वैसे भी दो तीन दिक्कत हो रहा है अब हमको, जैसे एक तो कुछ बोलते हैं लटपटा जाते हैं, दूसरा झटका मारते रहते हैं वहां से, नहीं पूरा बॉडी हिलते रहता है। अच्छा हाँ, और हमको हमको कुछ भूलने का भी जैसा लग रहा है कि भूल भूल जाते हैं। हाँ, भूल भूल जाते हैं या कुछ याद करा हुआ भूल जाते हैं, याद करा हुआ भूल जाते हैं। डॉक्टर साहब आप तो समझदार आदमी हैं, लगते मत लीजिए हमारे डॉक्टर साहब, हमारा इलाज करिए। अरे नहीं, मगलू देख मैं भाई की तरह तेरे से बात कर रहा हूँ ना, भाई की तरह तो कर रहे हो, एम्पैथाइज भी कर रहा हूँ, कर रहे हो, दाढ़ी नहीं होते तो आप भावजाई भी लगते हो। तूने अभी लगा रखी है ना? नहीं अभी तो सामने तो लगाया तो तुझे डिटॉक्सिफाई करेंगे, चिंता मत कर, और तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे, ठीक है, और अभी 10-15 दिन ट्रीटमेंट चलाएंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा बुलाएंगे। गुल्लू हाथ पैर कांप रहे हैं, हैं? हाँ, है ना, मुझे आंखें भी ऊपर ऊपर नीचे से लग रही है तेरी, आंखें ऊपर नीचे हो जाती हैं कभी कभी। देख थायमिन की डिफिशियंसी हो गई है, और कई बार थायमिन की डिफिशियंसी से वर्निक्यूज एंसेफेलोपैथी हो जाती है। क्या बोले डॉक्टर साहब, हिंदी में कैसे बोलूं, वियर नहीं, वियर नहीं, कपड़े नहीं पहने, गोवा में चला गया तू। अच्छा, गोवा जाता है ना, अल्कोहल भी लेता है, तो उससे वर्निक्यूज एंसेफेलोपैथी हो जाती है। अच्छा। उसमें निमोनिक है गोवा, G4 ग्लोबल कंफ्यूजन, जैसे तू कंफ्यूज सा लग रहा है, ग्लोबल एफेजिया स्मोकिंग भी नहीं करना है ना, तो आप कुछ बर्निके बन रहे हैं, वियर नहीं किए, वियर नहीं किए, गोवा में ग्लोबल कंफ्यूजन, ऑप्थाल्मोप्लेजिया, अटेक्सिया, थायमिन की डिफिशिएंसी होती है इसमें, बाइलरी मेमोरी बॉडी लीजन होते हैं, मेमोरी बॉडी, तो ये वर्निकेज एंसेफेलोपैथी, इसमें हाई डोज आईवी थायमिन देंगे तो पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे वाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत बढ़िया हुआ है, आप फूलो फलो डॉक्टर साहब, फलो फूलो, ऐसा इतनी दुआएं बंद है मगलू, मैं दवाई नहीं दूंगा तुझे, ऐसा डॉक्टर साहब दुआ हम रख लेते हैं, दवा दे दो। अच्छा ठीक है दवा दे देते हैं, दवाई फिर तेरे पास ही रहेंगी, दुआ मैं रख दो, अब तो आप लेंगे, ठीक है ठीक है। कि अल्कोहल से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसमें थायमिन ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, क्योंकि अल्कोहल लेने से थायमिन की डिफिशिएंसी हो जाती है, और यदि तुम्हें अल्कोहल लेना है, मैं तो कहूंगा अल्कोहल मत लिया करो मेरे बच्चों, भाइयों, दोस्तों, है ना, और यदि नहीं मानते तो नींबू पानी से काम ना चलेगा, सुबह उठ के थायमिन की गोली लिया करो, तो थायमिन की डिफिशिएंसी ना होगी, तो ये कॉम्प्लिकेशन थोड़े कम हो जाएंगे। तो बड़ा लिखा है मगलू, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, मिलते हैं फिर, बिल्कुल अगली बार फिर आना, दूसरी बीमारी लेके आना, ठीक है, धंधा चलना चाहिए, धंधा बंद, धंधा बंद, ओके ओके मगलू, ओके वाह वाह, महा कराया डॉक्टर साहब यहाँ से, अरे अरे।